नमस्कार मित्रों, हम नेताजी बोल रहे हैं और हम आपसे ये कहें, कोशिश करें कि हमें शुरू से ही हमारे अखिलेश इनका काम पसंद नहीं था। देखिए आहत तो हम बहुत होते हैं। एक बार इन्होंने हमें बुलाया कि भाई शिलान्यास करना है। हमने कहा चलो शिलान्यास करना, पर हम कतई भी शिलान्यास के सैनिक स्कूल थे उनका शिलान्यास करना था। अब बोले नेताजी आपको शिलान्यास करना है, हमने शिलान्यास कर भी दिया। हमने उसी मंच से बोली कि ना तो हम इस शिलान्यास के पक्ष में हैं और ना हम इस तरीके किसी काम के पक्ष में। हम तो चाहे थे शिलान्यास के बदला हमसे उद्घाटन करवाते तो हमें बहुत अच्छा लगता, परंतु वो हमारी एक न सुन। हमने उन्हें मंच पर बुला के बोला भी कि भाई अगर एक आप हमें जवाब दो, मुख्यमंत्री जी स्वयं मुख्यमंत्री होते थे, हमें बनाया था कि अगर आप यहाँ पे सबके सामने खड़े होकर हमें दो जवाब कि कब तक कंप्लीट हो जाएगी बिल्डिंग, कब तक, अभी तो शिलान्यास का कब तक कंप्लीट होगा, यह काम पूर्ण कब तक होगा, तो उन पर जवाब नहीं था। आपने सहयोगी से पूछा और बोले अगले साल इसी दिन। हमें ना ये गलत बात है, नो ये नहीं होगा, मतलब नहीं होगा, हम आपको टाइम बताएं, मुझे आप बताओ। उनका आप बताओ कितनी जल्दी कर सकते हो, नहीं। तो फिर हमने उन्हें बताई कि आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 8 महीने ले सकते हो। और जहाँ तक बात आई बाकी सब चीज़ों की, वो हम आपसे बाद में बात करते हैं। पर उन्होंने हमसे कोई ठोस, जिसे बोलते हैं, वादा नहीं किया। हमने उनसे बोली आपसे अच्छे कार्यकर्ता, आपके कार्यकर्ताओं से अच्छे कार्यकर्ता बीजेपी में सामने वाली पार्टी में, एक आध को छोड़ दो, वैसी दीमक तो हर जगह ही होती है, और उसके अलावा जितने हैं सभी बढ़िया काम करते हैं और उनका रिजल्ट उन्हें दिखा है, मिल रहा है। आज यहाँ तक बात आती है वो क्यों हमसे ज़्यादा काम करते हैं, अच्छा बेहतर काम करते हैं, क्यों, क्योंकि काम की फिक्र है। तो तब भी जब शिलान्यास था तब भी और अब भी, देखिए हम इनके काम से खुश नहीं थे। हम खुश थे उन लोगों से, चाहे वो हमारे विपक्ष में हैं, वो काम कर रहे हैं, काम करते करते उन्होंने दिखाया। अब ये फीता काटने हर जगह पहुँच जाते थे हमारे वाले नेताजी, मतलब हमारे वाले अखिलेश जी। हमें इनको बोला कि ये सब चीज़ें करने से कोई फ़ायदा ना है, आप तो वो काम कीजिए ना जिसमें आप अच्छे हैं, आप वो क्यों नहीं करते हैं जिसमें आप बहुत बढ़िया हैं, लगे कि नेताजी का बेटा जा रहा है, नेताजी के बेटे ने काम किया है, आप ऐसा काम करके दिखाइए, आप ये सब चीज़ें क्यों कर रहे हैं। और नहीं साहब, एक ना सुनी हमारी, क्या कहते हैं, उन्होंने कहा ठीक, क्योंकि देखिए यार आज के टाइम में आप किसी से ज़्यादा बोल सकते नहीं, और ख़ास तौर से वो पौधा जो आपने लगाया हो, सींचा हो तन मन धन से, उसको तो आपको जो कर ही ना सकते, क्या फ़ायदा फिर, कछु फ़ायदा ना है। पर ये बात जो बोलेंगे कि हम कई बात तो हम जहाँ भी हम बहुत खुश हैं, और हम ये प्रार्थना करते हैं कि अच्छे लोग यूपी की बागडोर समाज, अगर हमारा बेटा उनमें से एक है तो वेरी गुड, और नहीं है तो भी वेरी गुड, क्योंकि अगर कोई और संभाल रहा है विपक्ष का और अच्छा काम कर रहा है तो हमें उसे एप्रिशिएट करना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, दुआ देते हैं हम, अच्छा काम करते जाइए, बढ़ते रहिए, जा रहे हैं।